भूत बनकर खड़ी है बेचारी, ठीक है इसमें मैं जान फूंकी देता हूँ। कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। तो फिलहाल दोस्तों आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वाले वीडियो को देखा, आज दोस्तों मैं आपको कुछ इसी प्रकार का एक वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूं। तो साथ ही वो इस तरह का वीडियो बना के अगर आप जिली ऐप पर अपलोड करोगे तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका जो वीडियो है वो वीडियो डेफिनेटली वायरल होगा, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो दोस्तों अभी जिली ऐप पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो साथियों इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपने किसी एक तरह के कपड़े को आपको पकड़ लेना है। देख सकते हैं मैं ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आप दोस्तों इसी तरह से ये जो ऑडियो है इसको आप बैकग्राउंड में प्ले कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों लिपसिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल का जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर उसको आपको ओपन करना है। उसको ओपन करने से पहले दोस्तों वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो दिमाग लगा के सोच क्या रहे हो यार, अपने भाई का वीडियो है, लाइक करना तो बाकी बनता है। बाकी यार चैनल पे अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो को जरूर अपलोड करता ही रहता हूँ। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो मैं अपने मोबाइल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर को ओपन करके रखा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करके आपका जो काइनमास्टर ऐप है गाइस यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप दौड़ के भाग के इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहां पर दोस्तों उस लड़की का जो बैकग्राउंड वीडियो है उसको मैंने दे के रखा है, आपको उस वाले वीडियो को वहां से डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके गाइस ऊपर में जो आपका गैलरी है यहां से फ्रेंड्स आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो जो लड़की का वीडियो है उसको मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आप अपने वीडियो में यहां पर कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों जो आपको राइट साइड में यहां पर एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, आपको इस वाले लेयर पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना गैलरी को आप ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ से जैसा मैंने आपको वीडियो शूट करके दिखाया है, आप दोस्तों मोबाइल या DSLR से जो वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां पे देख ही सकते हो जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का जो ऑडियो है आपको यहां पर म्यूट कर लेनी होगी, ताकि इस वाले वीडियो में थोड़ा सा भी बाहर का ऑडियो ना रहे। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन के अलावा यानी बैकग्राउंड के अलावा भी मेरे वीडियो में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, तो गाइस मुझे इस वाले एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हटाना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको राइट साइड में आपके वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तभी ये काम कीजिएगा, ठीक है, वरना करने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर क्रॉपिंग में क्लिक करके इस तरह से जितना यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है उसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। देख सकते हैं गाइस जो ग्रीन स्क्रीन है उसको मैंने यहाँ पर मतलब जितना में मैं खड़ा हूँ उतना ही को मैंने यहाँ पर क्रॉप कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर लेनी है। ओके कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड है इसको यहाँ से रिमूव करना है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना है, अभी बैकग्राउंड को ही हटा देना है। उसके लिए दोस्तों आपको फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइल पर क्लिक करते हो आपको राइट साइड में यहाँ पर एक क्रोमाकी का ऑप्शन दिखता है, देख सकते हैं, आपको गाइस इस वाले क्रोमाकी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर जो आपको नीचे में की कलर दिख रहा होगा देख सकते हैं, आपको इसमें क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे उस वाले कलर को आप सिलेक्ट कीजिएगा जिस कलर का दोस्तों आप बैकग्राउंड का आप यूज़ किए होंगे। मैं यहाँ पे मेरे पास ग्रीन स्क्रीन था तो मैं ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किया हूँ, आपके पास नहीं है जिस भी कलर के कपड़े को यूज़ किए होंगे उस वाले कलर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देन आपको यहाँ पर ओके करके आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप इसको इनेबल करते हैं कुछ इस प्रकार से गाइस आपका जो वीडियो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबका गाइस यहाँ पर एडजस्टमेंट अलग अलग होगा, तो आप अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं मैं अपने वीडियो को अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने वीडियो को अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको फाइल पर क्लिक करना है। देन गाइस आप इसको अपने ये जो वीडियो है उसके हिसाब से आप इसको बड़ा कीजिएगा। देख सकते हैं मैं अपने इतना बड़ा कर देता हूँ, इससे गाइस यहाँ पर अच्छा दिखेगा कुछ इतना बड़ा। लीजिए दोस्तों वीडियो जो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो साथियों इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी बात है भाई। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय टाटा नमस्कार।